राजधानी दिल्ली में बीते दो दिनों से बारिश हो रही है, जिससे वहां के लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन बारिश की वजह से जल जमाव और ट्रैफिक जाम की स्थिति में पैदा हो गई है। बता दें कि दिल्ली में इस बार बारिश में 88 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। दिल्ली में अगले दो दिनों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में पूरे दिन मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। रविवार तथा सोमवार को और अधिक भारी बारिश होने का अनुमान है। बता दें कि दिल्ली के रोहिणी और बुराड़ी सहित कई इलाकों में सुबह के समय बारिश हुई, दोपहर के बाद भी शहर में कई जगह बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले सात दिन गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान किया है। बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को मॉनसून का आगमन होने के साथ तीन घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल एक की छत का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दौरान उड़ानों को स्थगित करना पड़ा। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जल भराव हो गया।